ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। पश्चिम बंगाल की राजनीति इन दिनों देश भर में कोरोना की सुर्खियों के बाद अव्वल नंबर पर है। मतदान से पूर्व ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले की खबरें आम हो चुकी थी, लेकिन अब जब बंगाल में टीएमसी जीत चुकी है और ममता बनर्जी ने फिर से सत्ता हासिल कर ली है, तब बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले तेज हो गए हैं। मतगणना के बाद बंगाल में हुई हिंसा में अब लगभग 10 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि बंगाल चुनाव जीतने से क्या टीएमसी समर्थकों या कार्यकर्ताओं को इतनी छूट मिल चुकी है कि वे राज्य में खुलेआम आगजनी करें, लूटपाट करें, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करें, हिंसा करें। बंगाल में चुनाव के पश्चात फैली हिंसा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ से फोन पर बात की, तो वहीं बंगाल में फैली हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर निशाना साध रही है। उधर महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी नेता की चेतावनी पर सवाल उठाए हैं। वहीं बंगाल में बढ़ती हिंसा का जायजा लेने मंगलवार को बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कोलकाता एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजे के बाद जो घटनाएं देखने और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं। ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुनी थी, लेकिन आजाद भारत में चुनाव के नतीजों के बाद इतनी असहिष्णुता हमने आज तक नहीं देखी। बंगाल पहुंचे जेपी नड्डा ने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं पर जो प्रहार हो रहा है उसको व्यक्तिगत रूप से देखने और कार्यकर्ताओं के साथ इस विपत्ति काल में खड़े होकर प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने के लिए बीजेपी कृत संकल्प है। उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी, हम उनकी विचारधारा की लड़ाई निर्णायक मोड़ तक पहुंचाएंगे। अपने बंगाल दौरे के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोपाल नगर में हिंसा प्रभावित भाजपा कार्यकर्ताओं के घरों का दौरा किया। इस दौरान उनके साथ भाजपा नेता दिलीप घोष और लोकेट चटर्जी भी मौजूद रही। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि चुनाव के नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों ने हरण अधिकारी के घर में घुसकर तोड़फोड़ की। हरण अधिकारी को घसीटते हुए पीटते ले गए और पीटते पीटते उनकी जान चली गई। ममता जी, चुनाव जीतने के बाद आपकी पार्टी ने जो तांडव किया है वो बताता है कि आपको प्रजातंत्र में कितना विश्वास है। नड्डा ने कहा कि भाजपा के एक एक कार्यकर्ता के साथ करोड़ों पार्टी कार्यकर्ता खड़े हैं और उनकी शहादत जाया नहीं जाएगी। प्रजातांत्रिक तरीके से लड़कर ऐसी विचारधारा को उखाड़ फेंकेंगे। ममता जी ने फिर से तानाशाही, टोलाबाजी, तुष्टिकरण शुरू कर दिया है और भाजपा चुप नहीं रहने वाली है। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं सांसद संबित पात्रा ने बंगाल में फैली हिंसा को प्रशासन द्वारा आयोजित हिंसा बताया। संबित पात्रा ने वर्चुअल पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि हम जिस प्रकार का मंजर बंगाल में देख रहे हैं उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। बंगाल आज जल रहा है, हमारे कार्यकर्ता हर घड़ी हमारे नेताओं को फोन कर रहे हैं और उनकी एक ही गुहार है, हमें बचा लो। बंगाल में जो कुछ हो रहा है वो प्रशासन द्वारा प्रायोजित हिंसा है। संबित पात्रा ने आगे कहा कि आज भाजपा बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी है और हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि हम अपने कार्यकर्ताओं और उन 2.28 करोड़ बंगालियों जिन्होंने हमारी नीति और विचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई, उनके साथ खड़े होंगे। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल लगातार बंगाल के नेताओं के साथ संपर्क में हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल का कहना है कि कल रात से लगातार उत्तर बंगाल के सभी सांसदों के संपर्क में हूं। हत्या, लूट, बलात्कार और आगजनी के समाचार हैं। कार्यकर्ता और कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है और उनके परिवारों को अपमानित करने की कोशिश की जा रही है, इसके लिए लड़ाई लड़ी जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पार्टी का जब निर्देश होगा वैसे ही हम बंगाल जाएंगे। देश की पूरी पार्टी बंगाल के कार्यकर्ताओं के साथ है। ये अराजकता और हिंसा उनको भी समझ में आनी चाहिए जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। उनको भी इस बार खड़े होना पड़ेगा, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाने से काम नहीं चलेगा। वहीं बीजेपी के नेताओं ने बंगाल में चुनाव परिणाम के बाद हुई हिंसा को लेकर पश्चिम बंगाल गेस्ट हाउस के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा नेता आदेश गुप्ता, मीनाक्षी लेखी, प्रवेश सिंह वर्मा, रमेश विधूड़ी ने हिस्सा लिया। इस दौरान भाजपा नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि जिस तरह रेप, हत्या, आगजनी हुई है वह मुस्लिम लीग के डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाता है। ये लोग चंडी पाठ का भी मजाक उड़ाते हैं क्योंकि असलियत में वे जिहादी ताकतों के साथ हैं। ये लोकतंत्र पर काला धब्बा है, लेफ्ट लिबरल इस पर आवाज तक नहीं निकाल रहे हैं।
आपको बता दें कि बंगाल हिंसा को लेकर महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक का बयान भी सामने आया है। नवाब मलिक ने कहा कि हिंसा का समर्थन नहीं हो सकता, हम इसकी निंदा करते हैं, लेकिन भाजपा को राजनीति बंद कर देनी चाहिए। जिस तरह से उनके पूर्व मुख्यमंत्री के लड़के कहते हैं कि लोग याद रखेंगे कि दिल्ली आना है, इस तरह चेतावनी देना बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि नवाब मलिक का ये बयान बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह के बयान पर आया। प्रवेश साहिब सिंह ने बंगाल में परिणाम के बाद हुई हिंसा को लेकर कहा था कि टीएमसी के गुंडों ने चुनाव जीतते ही हमारे कार्यकर्ताओं को जान से मारा, भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ियां तोड़ी, घर में आग लगा रहे हैं। याद रखना, टीएमसी के सांसद, मुख्यमंत्री, विधायकों को दिल्ली में भी आना होगा, इसको चेतावनी समझ लेना। चुनाव में हार जीत होती है, मर्डर नहीं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।